अरे वाह, बॉस आ गया तुमको। मैं बॉस को बोल देता हूँ, तुम कुछ खाने पीने में लोगे क्या? मतलब ये कि बॉस ने कहा है कि तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, तो जल्दी बताओ क्या लोगी। कौन बॉस? क्या नाम है तुम्हारे बॉस का? बॉस को हम बॉस ही बोलते हैं। पर कौन है वो? कोई नाम तो होगा ना, कौन है? अरे आते ही होंगे, खुद मिल लेना। जैसे ही मैं कहूंगा कि तुमको होश आ गया, माफी चाहता हूँ, वो आपको आप कहकर नहीं बोला। बॉस को पता चल गया ना कि मैंने आपको आप कहकर नहीं बुलाया, मेरी तो हालत ही पतली कर देंगे। और मैं बॉस को बताता हूँ ना कि आपको होश आ चुका है, आप कुछ खाने में लेंगे क्या? नहीं, चलो मैं फिर बॉस को भेजता हूँ। पर बॉस है कौन? मुझे यहाँ क्यों लाया है? इतनी खातिरदारी कर रहा है, इतनी इज्जत दे रहा है, कौन है ये? मुझसे क्या चाहता है? How dare you? चुप! बड़े घमंड के साथ मुझे फोन किया था ना? क्या कहा था? लक्ष्मी को किडनैप कर लिया? You idiot! जानते हो तुमने क्या किया? आज तुमने मेरी खुशियां फिर से बर्बाद कर दी, फिर से। मतलब ये कि ये कोई टाइम है लक्ष्मी को उठाने का? बात में नहीं कर सकते थे? क्या कहा था मैंने? क्या कहा था कि लक्ष्मी को इस तरह किडनैप करना कि किसी को शक ना हो, किसी को ये लगे ना कि उसका किडनैप हुआ है, सबको ये लगे कि लक्ष्मी अपनी मर्जी से गई है ताकि उसे ढूंढने का ये भागदौड़ कुछ भी नहीं होती। लेकिन नहीं, विक्रांत को तो अपनी मर्जी करनी है, बुला लिया चोरों को। तुम्हें पता क्या हुआ उसकी वजह से? ऋषि ने रिंग सेरेमनी रोक दी लक्ष्मी को ढूंढने के लिए। अच्छा, एक बार मेरे मेरे हाथों से खुशियां चली गई तुम्हारी वजह से। जो करना था मुझे बता देते, मुझसे पूछ लेते, मैं बता देती, हम डिस्कस कर लेते, लेकिन नहीं, करनी तो अपनी मर्जी है ना। चोरों को कौन भेजता है किडनैप करने? दिमाग कहाँ था तुम्हारा? और तुम्हें पता है उन चोरों ने क्या किया? ऋषि के साथ मारपीट की। और उनके साथ क्या हुआ वो पता है? जो तुम्हारे साथ हुआ था, ऋषि के हाथों पिट के भाग गए। वो भागे इसलिए थे क्योंकि यही प्लान था कि चोरी के बहाने लक्ष्मी को किडनैप कर लेंगे। और तुम क्या कह रही थी कि लक्ष्मी खुद ब खुद जाती तो किसी को शक नहीं होता, कोई उसके पीछे नहीं जाता। लक्ष्मी खुद ब खुद जाती चाहे उसका किडनैप होता, वो ऋषि तो पहुंच ही जाता उसको ढूंढने के लिए, हर बार जो पहुंच जाता है। वो तुम्हारा बैड लक खराब था कि तुम्हारी सेरेमनी वाले दिन वो छोड़ के चला गया तुम्हें वो, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि वो ऐसा करेगा। मैंने भी नहीं सोचा था ऋषि इस हद तक पागलों की तरह पीछे पीछे भागेगा लक्ष्मी के। और सोचा तो मैंने भी नहीं था कि तुम मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश करोगी। शट अप और शुक्र मनाओ विक्रांत, जो आज तुम यहाँ खड़े हो ना और लक्ष्मी के पास हो वो मेरी वजह से, मेरी बदौलत। क्योंकि अगर मैं चाहूँ ना तो एक फोन करूंगी, एक फोन ऋषि को, तो वो तुम्हारी ऐसी हालत करेगा ना। नहीं, वो हालत का सैंपल तो तुम देख ही चुके हो ना विक्रांत, इस बार ना वो तुम्हें जिंदा भी नहीं छोड़ेगा, याद रखना तुम। और शायद तुम्हें ना भूल रही हो कि अगर मैं मरूंगा ना तो तुम्हें साथ में लेके मारूंगा। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।